देश भर में सीएए लागू होने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने सीएए के विरोध की बात की तो बीजेपी ने हमला बोल दिया। लेकिन विपक्ष के बयानों के विरोध में दिल्ली में भारी संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस दफ्तर के घेराव की कोशिश की। हजारों की संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थियों ने कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ते दिखे। कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखे पोस्टर भी नजर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में शरण लिए हुए लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके लागू होने से उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्हें उनके देशों में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और उसी वजह से उन्होंने भारत में शरण ली थी। हम पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जहां के आए हैं वहां पीड़ित थे, परेशान थे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने वहां हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी बताया। उधर हिंदू होना एक गुनाह हो गया है। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू की इज्जत ही नहीं है। हालांकि कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया और इसके बाद तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस दफ्तर से पहले लगाए गए पुलिस बैरिकेड के पास हिंदू और सिख शरणार्थियों ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। एक रोज पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हिंदू और सिख शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया। और जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ने से रोका गया तो कुछ प्रदर्शनकारी वहां मौजूद पुलिस वालों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। लोहे के बैरिकेड के पास खड़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले धक्के देकर पीछे करते नजर आए। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच झड़प होती रही। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने वहां मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान अपने साथ एक छोटी सी बच्ची लेकर पहुंची एक महिला प्रदर्शनकारी वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों से भिड़ गई। उस महिला को पुलिस वालों ने समझा बुझाकर पीछे की तरफ कर दिया। मुश्किलें यहां पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी सामने आ रही है, जहां पर महिला प्रदर्शनकारियों को पकड़कर प्रोटेस्ट साइट से ले जाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से आई एक दूसरी महिला शरणार्थी तो भावुक होकर रोने लगी। पाकिस्तान से आए थे, हमारे को नागरिकता चाहिए, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। काफी देर हंगामा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड को गिरा दिया। बैरिकेड गिरते ही कई प्रदर्शनकारी तेजी से कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। हालांकि कुछ ही दूरी पर मौजूद पुलिस की दूसरी टीम ने उन्हें रोक लिया। लेकिन विपक्षी दलों के खिलाफ भारत के पड़ोसी देशों से भागकर आए शरणार्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने भी ममता बनर्जी के बयानों पर नाराजगी जाहिर की थी। ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर सवाल उठाए थे और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने सीएए लागू होने के बाद जमकर जश्न मनाया था, क्योंकि सीएए लागू होने के बाद मतुआ समुदाय के लोगों को लगने लगा कि उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मतुआ समुदाय के लोगों का मानना है कि सीएए लागू होने से उन्हें भारत का नागरिक होने का ठोस सबूत मिल जाएगा, क्योंकि बंटवारे के बाद तब के पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा वक्त के बांग्लादेश से हजारों की संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों ने भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में शरण ली थी। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक मतुआ समुदाय के लोगों को पश्चिम बंगाल में बसाने के लिए ठाकुरगंज नाम की बस्ती बसाई गई थी। शरणार्थियों की ये बस्ती बांग्लादेश की सीमा के बिल्कुल करीब थी। मतुआ समुदाय की स्थापना गरीब दलित परिवार में जन्मे हरिचंद ठाकुर ने की थी। उन्होंने 1812 में तब के बंगाल और वर्तमान के बांग्लादेश के ओराकांदी में इस समुदाय की नींव रखी थी। हालांकि जब भारत का बंटवारा हुआ था तब उनके परिवार के कुछ सदस्य पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आकर बस गए थे। लेकिन बंटवारे के बाद पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय का दबदबा पश्चिम बंगाल के कई जिलों में फैल गया और फिर वक्त के साथ पश्चिम बंगाल की सियासत में भी इस समुदाय की अच्छी खासी आबादी पकड़ बन गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के ठाकुरबाड़ी जाकर इस समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय के मतदाताओं का असर रहता है और इसी वजह से वहां हर पार्टी की नजरें इस समुदाय के वोट बैंक पर रहती हैं। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश की सीमा के करीब वाले जिलों में भारी संख्या में रहते हैं। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, कूचबिहार, नादिया, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के अलावा पूर्व और पश्चिम बर्धमान जिले में मतुआ समुदाय का
दबदबा माना जाता है। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में 70 के दशक के आखिरी साल में जब कांग्रेस की ताकत कम हुई और लेफ्ट मजबूत हुआ तो उसके पीछे मतुआ समुदाय का बड़ा हाथ माना गया। मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के पड़पोते प्रमथ रंजन ठाकुर ने 1977 के चुनाव में लेफ्ट को समर्थन दिया था। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक मतुआ समुदाय ने लेफ्ट पार्टियों को जमकर वोट दिया और पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद करीब 3 दशक तक मतुआ समुदाय ने लेफ्ट का साथ दिया और इसके बाद टीएमसी और बीजेपी ने भी मतुआ समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए ठाकुर परिवार के अलग अलग सदस्यों को विधायक और सांसद बनाया।